वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत कतवापुरा में शुक्रवार को ओम प्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल साव के रिफाइंड व सरसों के तेल की गोदाम में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर लाखों का मिलावटी तेल पकड़ा है। गोदाम में नामी कंपनी फॉर्च्यून और सलोनी के तेल की नकली रैपर लगाकर मिलावटी तेल तैयार किया जा रहा था। मौके से पुतुल जायसवाल पुत्र रामचरण जायसवाल निवासी कतवापुरा को हिरासत में ले लिया गया है। मिलावटी तेल बनाने की सूचना पर पहुंची क्राइम ब्रांच कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को गोदाम से सलोनी कंपनी के भरे 77 टिन, फॉर्च्यून रिफाइंड के भरे 54 टिन, चावल का तेल भरे 10 टिन, सादा कोल्हू तेल 37 टिन, कुल 178 टिन तेल व खाली 150 टिन बरामद हुए हैं। व्यापारी के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। आरोपी कतवापुरा में किराए का मकान लेकर के सलोनी सरसों तेल व फॉर्च्यून रिफाइंड का नकली रैपर व ढक्कन टिन पर लगाकर चावल के तेल में रंग व स्प्रिट मिलाकर पैकिंग करवाकर बाजार में बेचता था। टिन को सलोनी व फॉर्च्यून कंपनी के नकली रैपर, ढक्कन व कनस्तर सील करने वाली मशीन, हथौड़ा, पेचकस बरामद हुआ है। आरोपी ने कबूल किया है कि वे तेल में मिलावट का काम कर रहा था। छापेमारी करने वाली टीम में क्राइम ब्रांच डीसीपी अमित कुमार, क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे आदि लोग शामिल रहे। मुझे जैसे बिजली कराना पड़ेगा, करेंगे तभी वो नहीं पहले इसमें सब खाली क्यों निकला जी। अपना नाम और परिचय बताएं। लिखे हूँ प्रकाश जायसवाल। किस तरह का छापा पड़ा है, अब यहाँ पर क्या है? मिक्सिंग करते हैं तेल, चावल तेल कोलू जी? चावल तेल कोलू। अच्छा, किस तरह की मिक्सिंग करते हैं, क्या रेट है और किस रेट में ये बाहर जाता है, कितनी भारी मात्रा में है ये? अरे जी बता है, 50 माइनस देते हैं बस। क्या करते हैं उसमें, किस किस तरह से मिक्सअप करते हैं, इसका लाइसेंस है? आप नहीं, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं, नहीं। किसके द्वारा यहाँ पर छापा पड़ा? क्राइम ब्रांच। किस किस ब्रांड का यहाँ पे आप मिक्सर करते हैं? सलोनी और फॉर्च्यून। बस आप ये मानते हैं कि आप अवैध धंधा कर रहे थे? जी। मैं रमेश सिंह, खास सुरक्षा अधिकारी हूँ। ये आज कहाँ पर छापा पड़ा है, कौन सी? ये कुतवापुर जगह है, कुतवापुरा बोलते हैं इसको जी। ये ओम प्रकाश जायसवाल का ही ये कारखाना है, कारखाना तथाकथित कारखाना है, जहाँ सरसों के तेल के विभिन्न ब्रांडों की डुप्लीकेसी हो रही थी, जिसमें अभी 145 टिन तो भरे हुए मिले हैं। कई ब्रांड के हैं जो इनके द्वारा फिलअप किए गए हैं। बाकायदे जो है कलर मिला के तेल में कलर भी मिलाया गया है, वही सारी ब्रांड की भी कलर भी मिला है इसमें। आपको स्टिकर मिले हैं, लेबल मिले हैं, जिसमें फॉर्च्यून सलोनी कई ब्रांडों के हैं, इनके द्वारा किया जा रहा था। कितने का माल बरामद हुआ है यहाँ पर? कुल बरामदगी तो 145 टिन, एक कितने टिन का होगा, लगभग 1500 का होगा। ढाई लाख का तेल है लगभग, लगभग ढाई लाख का तेल है, तेल है जी। फॉर्च्यून सरसों ऑयल, फॉर्च्यून ये भी है आपका, रिफाइंड भी है बता रहे हैं? हाँ, फॉर्च्यून रिफाइंड को ही जो है ये सोया हेल्थ लिया है, और कुछ कलर वगैरह मिला के, खुशबू मिला के, एसेंस भी मिला हुआ है, सरसों के तेल का एसेंस मिला है, यहाँ मौके पर ही मिला है, बरामदगी हुई लगभग 4 लीटर है रखा हुआ। कलर भी ये फूड कलर डाल के कलर भी मिलाते हैं ये, अपना तेल कहीं से लाते होंगे, अपना किसी और ब्रांड का राइस ब्रांड ले लिया, उसको सरसों तेल बना दिया, महंगा बिकता है वो। तो क्या ये जो कंपनी चला रहे थे, ये इनकी अपनी कंपनी है क्या था? ये कंपनी अपनी नहीं, अवैध फैक्ट्री है समझिए, अवैध काम है इनका, ये जो कोई लाइसेंस नहीं इनके पास है, विभाग से न लिया है, न कहीं से कोई परमिशन नहीं है लेने का। इनमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो सिर्फ एक ही ओम प्रकाश जायसवाल है जो मालिक। कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे थे कुछ बताया? अभी तो बता रहा है, वो तो से पूछा गया तो बता रहा है 6 महीने से मैं काम कर रहा था। लेकिन यहीं पे कुछ लोगों से पता चला कि कई साल से ये काम कर रहे हैं और इनके कई और भी कारखाने। हाँ, इसके पहले बता रहा था कि मैं मतलब इस धंधे में था, ब्रोकर का काम करता था ये मार्केट में यहीं बिशनगंज में, अब खुद अपने लगा करने घर पे ही यहाँ पे। इस पूरे प्रकरण में कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है जो कि इसमें? तो पुलिस विभाग कोतवाली पुलिस है, प्लस खास सुरक्षा उचित प्रशासन विभाग हम लोग की टीम है, क्राइम ब्रांच भी है यहाँ की वाराणसी की जनपद की। इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है? इसमें FIR इनके खिलाफ होगा, और 419-20, 467-68, 272-73 के नॉन एडिबल कलर मिला हुआ है, जो खाने मतलब इसको खाने से ही आदमी जो है कंटिन्यूस खाएगा, साल दो साल में बीमार हो जाना है उसको। तो बाकी अभी तहरीर जो है लिखी जा रही है इनके खिलाफ, बाकी नमूने की कार्रवाई हो रही है, सीजर वगैरह हो रहे हैं।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।